Assalamualaikum everyone. उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में सही सलामत ठीक ठाक होंगे. दिस इज़ मोमिना सरवर एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. और जिस तरह कि मैंने कल भी कहा था कि मेरे बैकग्राउंड को आपने इग्नोर करना है, सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 9 और आज मैं जा रही हूँ अपनी फ़ीस सबमिट करवाने. आखिरी सेमेस्टर है, BFA हो जाएगा और आपका भाई फाइनली बैचलर्स कर लेगा. और उसके अलावा ये मास्क, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये मास्क पहना है, मुझे बहुत बुरा लगता है ये मास्क, सबसे ज़्यादा बुरा. मतलब ऐसा सच आपस की बात बताऊँ, ये बंदा ना बुलडॉग लगता है ऐसे पहन के, मुझे बिल्कुल ही पसंद. लेकिन क्या है ना, थोड़ा बहुत दिखावा तो करना ही होता है, तो आपको दिखाने के लिए मैंने ये पहना है और बाहर जाके डंडे ना पड़े इसलिए पहना है. खैर, तो आज मैं फीस सबमिट कराने जा रही हूँ. और उसके अलावा एक काम मेरा और है, मैंने जाना है अलहमरा मॉल रोड वाले, वहाँ पर 17th यंग आर्टिस्ट की एग्जीबिशन लगी हुई है. 6 अप्रैल से 6 मई तक वो डिस्प्ले रहेंगी पेंटिंग्स. 500+ आर्टिस्ट ने अपना काम वहाँ डिस्प्ले किया हुआ है और आई एम वन ऑफ देम अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने मेरा काम पसंद कर लिया. तो मैं आज आपको दिखाऊंगी, आओगे मेरे साथ? चलो. यार, जो लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस की बिल्डिंग्स देख के आए होते हैं ना, वो कभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाते ना प्राइवेट कॉलेजेस. ये यहाँ से हम लेंगे अपना चलान फॉर्म लाइन में लग के, और फिर उसके बाद फीस सबमिट कराएंगे. जी, तो गुलबर्ग कॉलेज का जो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है वो यहाँ से शुरू होता है. अभी क्लासेस सब बंद हैं तो मैं अंदर जाके जायज़ा नहीं ले सकती. ये जो है लॉक, ये हमारी टीचर्स का है, स्टाफ रूम है. यहाँ हम स्कल्पचर की चीज़ें आ रही हूँ, तुम लोगों को भी शूट करती हूँ, सब्र करो. अच्छा, ये जो है ये स्कल्पचर की, मैं पानी शानी की जब ज़रूरत पड़ती है तो ये हम लोग यहाँ पे करते हैं. और ये देखें बच्चों के, शायद इसमें हमारे भी हों स्कल्पचर्स पड़े हुए आधे अधूरे. और ये देखें रिलीफ वर्क, कैलीग्राफी कितनी खूबसूरत. और इन चीज़ों में हम लोगों की चीज़ें हैं, यानी चीज़ों में नहीं, चीज़ों में चीज़ें नहीं हैं, बॉक्सेज में. और ये जो आवाज़ें आप सुन रहे हैं ये मेरी क्लास फेलोज है. ये यूट्यूब पे तो मैं डालूंगी, मैं तुझे क्रॉप नहीं करूँगी. अच्छा जी, तो ये है हमारी क्लासरूम वाला एरिया. ये हमारी हमेशा जूनियर्स की क्लास होती है. खैर, ये बंद है सब. अच्छा भाई, ये इसको लेके आई है, फर्स्ट आती है हमेशा और 4 साल से, और ये सबसे लाइट लड़की है. हाँ, 3 साल से, 4th साल भी आना है इसमें. ये मैं हूँ, ये मेरी फ्रेंड्स हैं, और यहाँ पे हमारी पार्टी बिल्कुल नहीं हो रही है क्योंकि सारे कॉलेज को मैं नहीं आई थी. जी, तो ये फायदा है. और ये कॉरिडोर है सारा, और हमारी क्लास ये जूनियर्स की होती है. और ये सब मैं शूट करूँगी, लेकिन दुआ करें कि कोरोना ख़त्म हो जाए. फिलहाल ये हमारी क्लास है, और ये सारा एडमिन ऑफिस है, इसलिए हम फाइन आर्ट्स वालों की बहुत जल्दी कम वक्ती आती है. हम लोग फॉर्म जो लगाते हैं यहाँ से मिल रहे चलान फॉर्म, और फाइन आर्ट्स वालों के नहीं मिल रहे. पर मैं ना अब शूट नहीं करना चाह रही कॉलेज को, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर मैं अभी शूट करूँगी, इनकी आवाज़ें सुन लें आप, अगर मैं अभी शूट करूँगी तो फिर मैं बाद में क्या शूट करूँगी. लेकिन मैं शूट करती भी जा रही हूँ ये मैं कर क्या रही हूँ. खैर छोड़े, मतलब ठीक है, इट्स ओके. ये स्प्रिंग फेस्टिवल हुआ था ना, तो बच्चों ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया था. साइंस के बच्चे करें तो फिर वाकई बहुत अच्छा लगता है भाई. ये हमारी क्लासेस की बैक साइड है, बड़ी शांत सी जगह है. और समटाइम्स ना इस दरख्त के ना कोई फूल वूल उगते हैं और यहाँ नीचे गिरे होते हैं, ये वाला फूल जैसे, और ये बहुत खूबसूरत लगता है. ये मेरी टीचर की पेंटिंग्स लगी हुई हैं. ये मेरी क्लास टीचर की पेंटिंग है जिसमें वाटर कलर विद पॉइंटर टेक्निक यूज़ हुई है. ये मैम नुमाना की है, इन्होंने कितना अच्छा पेंट किया है. ये ना कोई की रिंग है जो कि गमले के साथ लटकी हुई है, एलुमिनाटी के साइन वाला ईयर रिंग या की चेन, व्हाटएवर इट इज़. ये भी मैम नुमाना की है, परांदे से लग रहे हैं. खैर, तो मैं जा रही हूँ फिर इनको टाइम देने अपनी क्लास वालों को. ये सब तो मैं शूट करूँगी ही, लेकिन एक टाइम के बाद. हर डिपार्टमेंट के चलान फॉर्म रख के बैठे हुए थे, लेकिन फाइन आर्ट्स वालों के नहीं थे. आखिरकार आधे घंटे की खवारी के बाद मुझे कॉलेज से मिल गया मेरा चलान फॉर्म, और मैं आ गई सेंटर पॉइंट बैंक ऑफ पंजाब. नहीं। नहीं।
और ये हम कब से खड़े हुए हैं, ये अंकल को हम अंकल 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 करी जा रहे हैं और ये अंकल हमारी बात नहीं सुन रहे। ये अंकल जिसके भी पापा हैं ये व्लॉग उन तक पहुँचा दें, यानी कि उनको दिखा दें, ये हमारी बात नहीं सुन रहे थे। वो कह रहे थे जिन्हें जिन्हें बैंक खुलावना है वो Two hours later. अच्छा मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मैं ना तकरीबन 3 साल हो गया मुझे यहाँ पे ना, मैं फीस सबमिट कराना चाहूँ और ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, आई मीन बहुत अच्छा। फाइनली आई एम डन। इन्होंने बहुत वेट कराया और यहाँ के जो बैंकर्स हैं ना ये ऐसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि ये फीस जमा करके हम पे एहसान कर रहे हैं। और पहले इन्होंने बहुत गर्मी में वेट कराया, उसके बाद इन्होंने हमें अंदर वेट कराया। पर एक चीज़ अच्छी हुई कि फाइनली मैंने फ़ीस सबमिट करवा ली और अब मैं जाऊँगी माल रोड पर, तो अब मैं आपको मिलूँगी वहीं पर। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अल्हम्रा जी। तो एंट्रेंस के बाद हमें बाबा जी का स्टैचू मिलता है और ये खड़े हुए हैं और वो बैठे हुए हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत पुरानी बिल्डिंग है, यहाँ हम बाद में जाएंगे। तो मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ गैलरी को लेके, जो कि ये है, ये आर्ट गैलरी। यहाँ मैं सिर्फ एक ओवरव्यू लूँगी, सारी पेंटिंग्स को शूट नहीं करूँगी, ताकि अगर आप विज़िट करने जाएँ तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ नया देखने को मिले। ये वाली बहुत खूबसूरत है भाई, ये वाली मेरी एक जूनियर ने बनाई है, मेरे कॉलेज की है। मैं ये देख चुकी हूँ लेकिन आपको दिखा रही हूँ, इसलिए ज़्यादा देर रुक नहीं रही। ये वाली मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, दाऊद जाहिद नाम के किसी बंदे ने ये पेंट की है ऑयल ऑन कैनवस, और ये कितने की है, 48,000 की। इट्स ब्यूटीफुल। और एक वो भी है, ये सिर्फ पेंट है, कुछ भी टूटा हुआ नहीं है। इसकी आंखें बहुत खतरनाक हैं भाई। ये बहुत खूबसूरत लग रही है दूर से। ये कैनवस पे कैनवस की बैक बनाई हुई है।
ये मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगी वैसे, सॉरी। और ये मेरे साथ तो चलो इन्होंने इस जगह पे ये डिस्प्ले यहाँ पे की ही की है, चलो सीधी तो की है, इस किसी बेचारे कोमल का जो है लैंडस्केप उसके साथ कितना जुल्म किया कि अभी टेढ़ी लगा दी है जी। तो ये गैलरी का आखिरी हिस्सा, तो फाइनली मैं गैलरी से बाहर आ चुकी हूँ और मेरा जो यहाँ अलहमदा का विज़िट था वो उतना ज़्यादा मज़े का नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, पर खैर आई थिंक इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस और इट्स ओके अगर वो इतना अच्छा नहीं था तो। खैर अब ये है कि मैं गैलरी वालों से बात करूँगी कि अब क्या सिस्टम है, एक माह तक इन्होंने ये पेंटिंग्स यहाँ डिस्प्ले रख ली हैं, पेंटिंग्स काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी लोगों का काम काफ़ी अच्छा है, तो हम लोग यहाँ पर सब लोगों का काम जो है वो देख सकते हैं, काफ़ी मज़े का काम है, काम अच्छा है, पर इनकी सर्विसेज इनका इनकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है। और इतनी ज़्यादा आवारा गर्दी के बाद मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैंने फाइनली मुझे पानी भी मिल गया, मैं यहाँ से कैफ़े गई और मैंने यहाँ से पानी लिया और बैठी हूँ अब यहाँ सीढ़ियों में। ये क्लासरूम्स हैं कोई, यानी कि यहाँ पर शॉर्ट कोर्सेज वगैरह करवाते हैं, तो यहाँ क्लासेज हैं, आप मतलब आर्ट के शॉर्ट कोर्सेज यहाँ पर कर सकते हैं, पेंटिंग है उसमें, कैलीग्राफी है और डिफरेंट चीज़ें हैं, पर मेरे काम की नहीं है क्योंकि मैं यहाँ आई और मैंने पता किया तो इन्होंने कहा कि वैसे तो अभी बंद है, लेकिन मुझे सीखना ये था कि मैं ना पोट्री सीखना चाहती थी, मतलब मैं बर्तन वगैरह ना बनाना, जैसे मुल्तानी आर्ट होती है मुझे उसमें इंटरेस्ट है, तो मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने कहा कि नहीं हम ये नहीं करवाते, पहले करवाते थे अब नहीं करवाते, तो आप यहाँ आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट है तो जी। तो ये था अलहमदा का मेरा विज़िट, सारे बिल्डिंग्स में नहीं फिर सकी, मैं ऑलरेडी बहुत थक चुकी थी, टाइम टू गो होम। ये होल्डर्स देखने में आई थी फ़ोन के पीछे लगाने के लिए और इन्होंने मुझे ज़्यादा वैरायटी तो नहीं थी, फलों फूलों वाली तो नहीं चाहिए थी, फिर इनमें से मैंने ये वाला सेलेक्ट किया और इनसे, और इनके पास कोई ट्रांसपेरेंट के अलावा कोई इंटरेस्टिंग सा मुझे मिला तो नहीं है, लेकिन मैं इसी से काम चलाने वाली हूँ, बस इनके पास और भी नहीं, दिखा नहीं रहे थे जान के। ये शॉप्स वालों का ना मेरे साथ यही मसला होता है, मुझे जल्दी कोई चीज़ नहीं दिखाते हैं, हाँ यही दे देंगे ठीक है। और मैंने ये होल्डर खरीदा है, बहुत क्यूट सा, एंड फाइनली बैक टू माय गली, बहुत थक गई हूँ भाई, बाहर मैं कुछ खा नहीं सकी ड्यू टू सब कुछ बंद था, कोरोना और ये वो सब, तो मैंने सोचा कोरोना खाने से बेहतर है मैं घर जाके कुछ खाऊंगी, पानी तो पिया था पर प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, और आज पेट भर के जाके खाना खाऊंगी, जितनी वॉक की कैलोरीज बर्न की उससे डबल चढ़ा लूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग, जहाँ मैंने दिन भर गर्मी में बहुत सारा फिरी और मैंने शूट भी किया, और अभी बज रहे हैं रात के तकरीबन 10 या 12, और ये कपड़े मैंने नहीं बदले क्योंकि मैंने व्लॉग एंड करना था, सिर्फ दुपट्टा चेंज किया है, और मैंने आके खाना खाया, खूब सारा घर के काम किए, और उसके बाद मैं सो गई, सो के उठ गई, सर दुख रहा था, मेडिसिन ली, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग एंड कर दूँ। तो मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।